Dear students, now we are discussing health and safety laws and regulation with reference to workers' compensation. First of all, we will discuss the historical perspective of workers' compensation. Before workers' compensation laws were enacted in the United States of America, most of the employees who were injured their cases were settled down in the court, and in this way, those, student, those employees were get well, got बेनिफिट from द United स्टेट्स ऑफ अमेरिकन कोर्ट वहाँ पे किसी किस्म की कोई आर्गनाइजेशन नहीं थी जो उन दोनों के बीच में बैठ के आराम के साथ एम्प्लॉर्स और एम्प्लॉ के बीच में उसका मसले का हल निकाल सकती। यही वजह थी कि वो तमाम केसेस जो थे वो कोर्ट में जाते थे और कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन देती थी फिर एम्प्ल को कम्पनसेट किया जाता था लेकिन एटीन के बाद वहाँ पर बाकायदा तौर पर ये मुख्तलफ़ ऑर्गनाइजेशन ने इस पर काम शुरू किया और नाइनटीन जीरो एट के बाद बाकायदा तौर पर इसके ऊपर मुख्य लाज बनना शुरू हो गए अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी इंजीनियरिंग प्रायर टू रिसीव कम्पनसेशन इवन वेन दर्कमस्टांसिस इसका स्टूडेंट्स मतलब ये है कि अक्सर उकात ये देखा गया है कि एम्प्लायर के ऊपर एम्प्लाई केस पुट कर देता था और कोर्ट की तरफ से उसकी सेटलमेंट होती थी द एम्प्लाई वॉज एज द रिजल्ट ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट आर ऑकुपेशनल डिजीज ऑकुपेशनल डिजीज की वजह से या वर्किंग सिचुएशन की वजह से वर्किंग एन्वायरमेंट की वजह से अगर एम्प्लाई कोई डिजीज़ हो जाती कोई एक्सीडेंट हो जाता या एम्प्लाई फौत हो जाता तो ये पहली कंडीशन थी जिसके बाद एम्प्लॉई उस एम्प्लॉय के ऊपर केस फाइल कर देता द इंजरी माइट हैव बीन एक्सपेक्टेड टू अकर व्हेन द रिस्क एंड हैजर्ड्स ऑफ द जॉब वर कंसीडर्ड हमें इस बात का इम है कि जब ऑर्गनाइजेशन के अंदर वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा तो वहाँ पे किसी किस्म की भी इंजरी हो सकती है वर्कर्स नेगलिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द फेलो वर्कर्स आर द इंजर्ड एम्प्लाई क्लियरली कास्ट द इंजरी बात इंजरी की वजूहत में एक वजह यह भी है कि इम्प्लाई ख़ुद नेगलिजेंस बिहेवियर शो करता है आगे हम लोगों ने साइन बोर्ड लगाया हुआ है वेट प्लेस और एम्प्लॉँ वहाँ बा के गुजरने की कोशिश करता है चांसेस ऑफ स्लिपिंग इज देयर वो वहाँ पे गिर भी सकता है उसकी इंजरी भी हो सकती है तो इसलिए सम्प्लाई की अपनी भी सम टाइम वजह से इस किस्म की इंजरी का सामना उसे करना पेश आ सकता है बिफोर वर्कर्स कंपनसेशन लॉज लॉस वेक्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स अगर रियलिटी डी स्टूडेंट्स इसमें देखी जाए तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजेश्स के अंदर मोस्टली ये देखा गया है कि जो इम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन की एस के मुताबिक काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन की जो एस ओ पी डिपार्टमेंट लेवल के हेड ने डिवेल्प किए हुए हैं और वो एम्प्लॉ को हंड्रेड परसेंट उसके मुताबिक मुआवजे दे रहे हैं उस आर्गनाइजेशन में इस किस्म के इशूज़ पैदा नहीं होते वर्कर्स कम्पनसेशन लेजिस्लेशन इन फैक्ट द फर्स्ट वर्कर्स कम्पनसेशन ला एनेक्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन बैक नाइनटीन जीरो ऐट नाइनटीन जीरो ऐट में पहली दफ़ा ला पास किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कि एम्प्लॉ की जो कम्पनसेशन है वो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन डेजिगनेशन जॉब स्टेटस जो चीज़ें भी जो आप ऑफ लेटर के अंदर लिखी हुई है उसके मुताबिक आपने कंपनसेट करना है और इसके अलावा एम्प्लॉ की डिजीज के अतबार से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है अंदर जा वो माइनर डिजीज है मीडियम है मेजर है उसके मुताबिक उसको कंपनसेट किया जाएगा हाउ एवर इट वॉज शॉर्ट लिव रूलिंग लाव वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल दर्ट ओवर टर्न इट बाद में इसको ओवर टर्न भी कर दिया गया लेकिन उसके बाद बाकायदा इसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई

इस कोर्ट का जो डिसीजन था उसकी बेस के ऊपर जो मॉडर्न वर्कर्स कंपनसेशन रूल्स बने उसमें इस बात को लिख दिया गया कि सबसे पहले तो एम्प्लॉय को इस काबिल बनाया जाए कि वो दोबारा सीट के ऊपर आके अपने जॉब परफॉर्म कर सके और उसके बाद नंबर टू जो भी उसके अलाइड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मॉडर्न वर्कर्स कंपनसेशन को अगर हम लोग फाइनली देखें तो उसका ये मतलब है वट प्रोमेंट प्रोपोनेंट्स ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन डिड नॉट नाट एंटिस द फॉलोइंग फैक्टर्स Employees who would see workers' compensation as a way to ensure themselves a lifelong income without the necessity of work काम के बजाय अगर उनको lifelong income मिलना चाहिए तो वो कैसे मिल सकती है enormous increase in the cost of medical care with corresponding increase in workers' compensation insurance premium employee को जो आपने health benefits देने हैं employee को जो treatment करानी है उसकी cost भी काफी increase हो चुकी है क्या वो organisation खुद बियर कर रहा है द रेडिकल डिफरेंस अमंग वर्कर्स कम्पनसेशन लाज पास बाई द various स्टेट ये क्योंकि स्टडी बुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हवाले से ज़्यादा है इसको हम पाकिस्तानी तनाजर में भी देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मुख्तफ स्टेट्स के कम्पनसेशन के मुख्तु दूर हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमारी लजिसशन है उसमें बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो हमारा लेबर फोर्स डिपार्टमेंट है उनकी अपनी मुख्तु किस्म की पॉलिसीज़ है जिसको हंड्रेड परसेंट यहाँ पर इम्पलीमेंट किया जाता है और कोशिश की जाती है कि इंप्लाई की जो कम्पनसेशन है उसकी स्पेसिफ़िक रूल एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट किया जाए इम्प्लीमेंट किया जाए और इंप्लाई तक उसके बेनिफिट्स पहुँचाए जाए